कटनी जिले में वर्तमान में खरीफ फसलों के लिए सर्वाधिक मांग वाली उर्वरक यूरिया खाद की एक और रैक आई है। बता दें कि रैक आने से जिले में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता हो गई है। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा जिले में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों से जिले के लिए 371 मीट्रिक टन यूरिया की रैक आ गई है। अब इसी विषय को लेकर जिले के उप संचालक कृषि मनीष मिश्रा ने बताया कि रैक से आई नीम कोटेड यूरिया में से कटनी डबल लाख केंद्र के लिए 100 मीट्रिक टन, बहुबी बन डबल डाक केंद्र के लिए 221 मीट्रिक टन समेत एमपी एग्रो को 25 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित की जाएगी, जिससे कि यहां के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उनकी जरूरत के मुताबिक उर्वरक की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो। जिले में जो यूरिया की एनएफएल की रैक आज सुबह ही लगी है और एक एचयूआरएल की रैक कल तक लगने की संभावना है। इन दोनों रैकों से हमें लगभग 700 मीट्रिक टन यूरिया जो सहकारी संस्थान है हमारे डबल लॉक सेंटर, एमपी एग्रो और मार्केटिंग सोसाइटी है, इनको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त कुछ उर्वरक अपने को प्राइवेट जो निजी विक्रेता हैं उनको भी मिलेगा। इस तरह सहकारी संस्थानों को करीब 700 मैट्रिक टन यूरिया मिलेगा। हम जिले में अभी धान की रुपाई का कार्य लगभग समाप्ति की ओर है और जो धान में टॉप ड्रेसिंग लगभग 15 अगस्त के बाद या अगस्त के लास्ट सप्ताह से चालू होगा, तो 15 अगस्त के बाद यूरिया की मांग जिले में बढ़ेगी। इसके लिए यूरिया की ये दो रैकें आई हैं। इसके बाद संभवतः इफको की और एचयूआरएल और एनएफएल की भी एक एक रैक आने की संभावना है, प्लान में है, जिससे यूरिया की पूर्ति हमेशा यानी लगातार होती रहेगी।